दोस्तों, मुझे रोज़ाना ढेर सारे कमेंट मिलते हैं कि सर, अक्सर आप पुरुषों की उत्तेजना बढ़ाने के लिए मेडिसिन बताते हैं और महिलाओं के उत्तेजना को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन बताएं। तो दोस्तों, इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में महिलाओं की उत्तेजना बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और फेमस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसका नाम है दोस्तों जापानी एफ कैप्सूल। ये खास तौर से ओनली महिलाओं के लिए आता है। अगर महिलाओं को यौन इच्छा की कमी है, पति के लाख इशारे करने के बाद भी महिलाएं संभोग के लिए तैयार नहीं होती, तो दोस्तों उन्हीं कंडीशन में जापानी एफ कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये दो तरह के कैप्सूल लुक में आपको देखने को मिल जाता है। एक जापानी एफ कैप्सूल आता है जो कि खास तौर से महिलाओं के लिए आता है, और जापानी एम कैप्सूल आता है जो कि खास तौर से पुरुषों के लिए आता है। दोस्तों, ये आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से मार्केट में बिकता आ रहा है और टोटल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसके इस्तेमाल करने से आपको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होता। दोस्तों, बात करें जापानी एफ कैप्सूल महिलाओं को किन कंडीशन में दे सकते हैं या किन समस्याओं में दे सकते हैं। दोस्तों, अक्सर महिलाओं में हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से उनकी यौन इच्छाएं बिल्कुल मर सी जाती हैं, यानी कि उनको संभोग करने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, हार्मोन्स कभी कभी इतना बदल जाता है जिससे फीमेल पार्टनर जो है पूरी तरह से बिस्तर पे लंबे समय तक नहीं टिक पाती। अभी दोनों महिला तो अगर यौन संतुष्टि पा लेती है, लेकिन अगर पुरुष यौन संतुष्टि नहीं पाया रहता है, तब भी महिला जो है बिस्तर से उठने लगती है और सेक्स को स्टॉप करने के लिए कहने लगती है। इस पे पुरुष वर्ग को काफ़ी चिड़चिड़ा फील होता है, यानी कि उनको यौन संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, उन्हीं कंडीशन में इस जापानी एफ कैप्सूल को महिलाओं को अगर हम देते हैं, तो वो बिस्तर पे घंटों रुकी रहती हैं और दोनों तरफ से संतुष्टि होने के बाद ही यौन क्रिया बंद होता है। दोस्तों, अक्सर यौन इच्छा की कमी के कारण की बात की जाए, तो पुरुष महिलाओं में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से उनकी यौन इच्छा बिल्कुल मर से जाती है, या उन्हें वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि धात की समस्या रहती है, उससे भी महिलाओं में यौन इच्छा की कमी आ जाती है। या फिर दोस्तों, महिलाएं दिन भर घर का काम इतना ज़्यादा रहता है, करते करते थक जाती हैं, जिसकी वजह से बिस्तर पे जाते ही सो जाती हैं और यौन इच्छा के लिए उनका मन नहीं करता। और दोस्तों, या फिर महिलाओं में कमजोरी की बहुत ज़्यादा रहती है, खून की कमी रहती है, अच्छी तरह से नींद ना लगना, डिप्रेशन में रहना, यानी कि शरीर का जो संतुलन है बिल्कुल उनका बिगड़ जाता है, जिससे वो बिस्तर पे लंबे समय तक यौन प्रदर्शन के क्रिया में साथ नहीं दे पाती। दोस्तों, जो पुरुष अगर अपनी महिला से संतुष्ट ना हो, उन तरह के पुरुष इस जापानी एप कैप्सूल को देकर महिलाओं के साथ घंटों संभोग क्रिया कर सकते हैं और ज़्यादा सुख प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, जापानी एप कैप्सूल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसे एक कैप्सूल रात में सोने के टाइम, खाना खाने के बाद इसे देना चाहिए, और इसे आप कंटिन्यू 5 से 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन खिला सकते हैं। जब देखें कि महिलाओं का यौन इच्छा काफ़ी बढ़ गया है, तो इसे बंद कर दें, फिर कुछ दिन बाद ज़रूरत पड़ने पे इसे फिर स्टार्ट कर दें। इसके लेने से महिलाओं के शरीर में स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उत्तेजना काफ़ी बढ़ जाती है और उनके शरीर फिट रहती है। ढेर सारी जो शरीर में वीकनेस आ गई हैं, कमजोरियां हैं, या हार्मोन्स की जो गड़बड़ियां हैं, वो सारी ठीक हो जाती हैं सिर्फ इस जापानी एप कैप्सूल से। इसे आप कहाँ से खरीद सकते हैं? तो दोस्तों, इसे आप इजिली हर किसी मेडिकल स्टोर पे पूरे इंडिया में आसानी मिल जाता है। इसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 10 कैप्सूल आपको 300 रुपये के लगभग देखने को मिलता है। तो ये था दोस्तों जापानी एफ कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में सब कुछ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें।